कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम अगर तुमको याद होगा, लास्ट फाइट जो है वो मैंने करी थी एसिडिक ग्लेविनस से। तो यार उसके पार्ट्स का कुछ ज़्यादा खतरनाक यूसेज था नहीं, वैसे काफ़ी ज़्यादा यूसेज तो थे लेकिन इंसेक्ट ग्लेव के लिए कुछ था नहीं। लेकिन एसिडिक ग्लेविनस के पार्ट का यूसेज है। तो अगर मैं अपग्रेड में जाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने लॉन्ग स्वॉर्ड को अपग्रेड करने का सोचा ही नहीं, तो अगर मैं अपग्रेड में जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हो यार, एसिडिक ग्लेविनस स्पाइन शेल से क्रिम्सन वाइपर फैंग 2 जो है वो अपग्रेड हो रहा है। तो मेरा लॉन्ग स्वॉर्ड अपग्रेड हो रहा है, तो वही करूँगा मैं। लॉन्ग स्वॉर्ड को कर दिया है मैंने अपग्रेड, बढ़िया। एक बार ये भी देख लेते हैं कि एसिडिक ग्लेविनस का आर्मर सेट कैसा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम माइट हैंडीक्राफ्ट, स्टन रेजिस्टेंस हैंडीक्राफ्ट, मैक्सिमम माइट। तो यार हैंडीक्राफ्ट के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस आर्मर की कोई ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम माइट सीक्रेट वही एज यूजुअल है, तो इसको मैं करता हूँ इग्नोर। लेकिन वेपन मैंने क्राफ्ट कर लिया है, तो अभी बैड फ्रेंड्स ऑफ ग्रेट एनिमीज वाले क्वेस्ट में निकलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, हंट इबोनी ओडोगेरो, तो बेसिकली काला ओडोगेरोन है, और कह सकते हो कि रेसिस्ट ओडोगेरोन है। स्टॉक पे अभी भी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे सारे पोशंस वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, होपफुली मैप में चलते चलते अपने को कुछ और पोशंस वगैरह मिल जाएंगे। सेफ चॉइस प्लेटर खा लूँगा मैं यहाँ पे, और एक बार अपने बोटनिस्ट के पास जाके देखूंगा कि कुछ क्या कहते हैं, कुछ मेरे लिए क्राफ्ट वगैरह हुआ कि नहीं, या फिर कुछ हनी वगैरह क्राफ्ट हुआ कि नहीं। वर्कशॉप, अरे नहीं, गलत जगह चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड यार्ड जाना था मुझे। क्वेस्ट लोड हो चुका है, लेकिन एक बार बोटनिस्ट से बात कर लेते हैं। कलेक्ट हार्वेस्ट हनी थोड़े बहुत बने हैं, 6 पीसेस है, कोई दिक्कत नहीं, जितना है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यार सबसे पहले मैं जाके क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने पोशंस वगैरह। और अभी भी देख सकते हो पोशंस वगैरह ज़्यादा क्राफ्ट हुए नहीं, मेगा पोशंस जो है सिर्फ 6 है मेरे पास, जो कि एक क्वेस्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो लास्ट टाइम का एसिडिक ग्लेविनस जो मैंने कैप्चर किया था वो यहाँ पर देख ही सकते हो। पूंछ की डिटेल्स दे सकते हो यार, किस तरीके से जहर वगैरह उसके पूंछ को कोरोड कर चुकी है। तो खैर चलते हैं अभी इबोनी ओडोगेरोन से लड़ने। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरल हाइलैंड्स में इसका लोकेशन रहेगा, और कोरल हाइलैंड में मेरे को कुछ मछलियाँ दिखी थी जिसको मैं एक बार पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस टाइप की मछलियाँ है। पकड़ लिया, सुशी फिश स्केल मिला है मुझे। अगर ये नहीं पता सुशी फिश स्केल होता क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इससे ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाता है। तो यार नारगा कुगा के फुटप्रिंट्स है यहाँ पे, तो नारगा कुगा से मेरे को पंगे नहीं लेने, मेरे को सिर्फ सर्च करना है इबोनी ओडोगेरोन का। और होपफुली इबोनी ओडोगेरोन और नारगा कुगा के बीच में एक फाइट देखने को मिल जाए, तो उसमें और भी मज़ा आ जाएगा। फाइट से मेरा मतलब है, अरे फाइट से मेरा मतलब है टर्फ वॉर। जैसा मुझे लग रहा है इबोनी ओडोगेरोन का लोकेशन लेगियाना के पास ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर के लोकेशन वहीं पर ही मिल जाते हैं। तो अच्छा वो यहीं पर है, ओके। ये तो नॉर्मल ओडोगेरोन ही लग रहा है।
तो रेसिस्ट ऑडोगेरोन एक्चुअल में रेसिस्ट है, आई मीन दोनों के दोनों ही रेसिस्ट है। रेड वाला ऑडोगेरोन काले वाले को जीने नहीं देगा, काले वाला रेड वाले को जीने नहीं देगा। ओके ये बहुत ही बुरा मूव था, एक ही बार में उसने खत्म कर दिया। थोड़ा ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहा है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास ड्रैगन एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा ओडोगेरोन के पास कोई खास एलिमेंट वगैरह था नहीं, लेकिन ये बोनी ओडोगेरोन के पास ड्रैगन एलिमेंट है। ड्रैगन यानी कि काले कलर का धुआं निकलता है और रेड कलर की बिजली रहती है, तो बेसिकली एक और तरह का एलिमेंट है मॉन्स्टर हंटर पे। ओके काफी फास्ट है, इसको पास बुलाता हूं। ओके काफी दूर तक रीच है, कर दिया मैंने इसको यहां पे वॉल बैंड। तो सोच ही सकते हो पूंछ को सबसे पहले टेंडराइज करूंगा मैं, पैरों को भी कर देता हूँ टेंडराइज। फोरसाइट बढ़िया, काफी जल्दी ये पैरालाइज हो गया जो कि अच्छी बात है। कर लिया दूसरा स्पिरिट गेज फुल। ओके काफी तेज स्पीड है इसकी। और ये पता नहीं मुंह से क्या छोड़े जा रहा है ये। बहुत ही बढ़िया डॉज था वो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना खतरनाक होएगा करके। हेल्म ब्रेकर की तैयारी, लेकिन कोई फायदा नहीं, थोड़ा पहले आ जाता उस तरफ। एक और बार बढ़िया, तो ईआई स्पिरिट स्लैश मारा मैंने उधर पे, और ईआई स्पिरिट स्लैश की वजह से मुझे डैमेज लगा नहीं। बढ़िया एक और बार पैरालाइज हो चुका है, लगता है पैरालिसिस ही इसका कमजोरी है। पूंछ काटने की कोशिश करूंगा मैं। छुप गया मैं उधर पे। अरे यार ड्रैगन ब्लाइट लग चुका है मेरे को, और ड्रैगन ब्लाइट लगने का मतलब है मेरा पैरालिसिस इस पे काम नहीं करेगा। तो जल्दी से मैं नल बेरी खा लेता हूँ यहाँ पे, फिर से ड्रैगन ब्लाइट। तो ड्रैगन ब्लाइट जो है यार मुझे इस गेम का सबसे गंदा ब्लाइट लगता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंटल पावर्स होते हैं वो सभी स्विच ऑफ हो जाते हैं। यार फिर से नहीं, चलो एटलीस्ट स्पिरिट गेज फुल हो गया। ओके ओके कम ऑन नार्गकुगा, बड़ी उम्मीदें हैं तेरे से। ओके ये इतना तेज है कि अरे बाप रे, ना नार्गकुगा जीतेगा, मेरे पैसे नार्गकुगा पर है। अरे नहीं नहीं ये नहीं करना था। तो नार्गकुगा मटेरियल, एक और बार तैयारी हेल्प ब्रेकर की। नहीं यार एकदम सही टाइम पे हटा वो। बार बार फोरसाइट करे जा रहा हूं, लेकिन फोरसाइट सही टाइम पे नहीं लग रहा है। ये सही टाइम था, बढ़िया कर देता हूं इसको टेंडराइज फिर से। एक बार फिर से कोई दिक्कत नहीं, फाइट बढ़िया चली। देख सकते हो यार नार्गकुगा भी यहां पर है,
फाइट एंजॉय करते हुए। लेकिन मुझे इससे भी नहीं लड़ना है, इसके साइड से ही मैं निकल लूँगा, क्योंकि दो बहुत ज़्यादा तेज मॉन्स्टर्स जब सामने आए तब एंगेज ना ही करना बेटर है। यहाँ पर देख सकते हो, एक और वॉल बैंक दे सकता हूँ मैं इसको। थोड़ी जल्दी देनी पड़ेगी। काफी ज्यादा दूर हो गया लगता है। नहीं, दूर नहीं हुआ। रेड गेज खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। बढ़िया, इसकी एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं करी थी। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। बढ़िया, याई स्पिरिट स्लैश। याई स्पिरिट स्लैश सबसे ज्यादा एनिमे मूव लगता है मेरे को लॉन्ग शॉट का। लग जा, अरे यार बहुत ही संभल संभल के लड़ रहा हूं मैं। एक और बार। नहीं नहीं, बढ़िया बिल्ले, पूछ कट चुकी है दोस्तों। बहुत सही, पैर भी हो चुके टेंडराइज। कटी पूछ, हट। नहीं यार, ओहो लगी उसको, लगी उसको। बहुत सही, किस्मत वाला मूव था वो। किस्मत यूजुअली मेरी अच्छी रहती है नहीं, लेकिन बच गया उस टाइम पे। काफी ज्यादा उत्तेजित है ये। कोई दिक्कत नहीं, फिर से पीछा करूंगा। सबसे पहले तो इसकी पूंछ को लूट लेता हूं। ये वाला फाइट मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है, क्योंकि फोरसाइट करने के चांसेस ज्यादा मिल रहे। अरे बाप रे, नारगकू का भी इधर है। फोरसाइट करने के चांसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और एसिडिक ग्लेविनस की तरह ये फोरसाइट से भाग नहीं रहा। एसिडिक पे फोरसाइट के चांसेस तो थे, लेकिन फोरसाइट कंप्लीट नहीं होता था क्योंकि वो लोकेशन से ही निकल लेता था। कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया ऑडोगे रोड। खैर कोई दिक्कत नहीं, नारगकोगा के थ्रू ही होकर के जाना पड़ेगा मुझे, बट अगर अभी वही रास्ता है तो क्या ही कर सकते। तो नारगकोगा ऊपर है, मुझे जाना है शायद नीचे की तरफ से। मेरे पास अभी स्लिंगर एमो भी नहीं है, तो मैं ये एग्रो इसका खत्म भी हुआ नहीं है वैसे। बढ़िया, बहुत ही सही टाइम पे मैंने मारा। एक और बार इसके हाथ को भी टेंडराइज कर देता हूँ। शार्पेन, बिल्ला मेरा संभाल रहा है। सही चीज है। एक बार फिर से फोर हेल्प देकर कोशिश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही हीरोइक हेल्प दे कर था वो। बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से हेल्प देकर, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हेल्प नहीं लगा। अगर लग जाता तो वो बाद में अगर मतलब डिस्प्लेस हो जाता
तो दिक्कत हो जाती। अरे क्या बात है यार, एक और बार चलो हो जाए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है और मुझे एंटिसिपेशन में ज्यादा रुकना नहीं पड़ रहा, तो इसकी वजह से मैं उसके मूव्स को अच्छे से डॉज भी कर पा रहा हूं। लगता भी भूखा है वो, खाना की खाने की तलाश में, और वो खा भी रहा है। फोरसाइट लगा ही था वो दहाड़ने वाला है, बढ़िया अटक गया। एक और बार हेल्म ब्रेकर की तैयारी, बहुत सही। फोरसाइट, अच्छा हुआ मैंने मारा नहीं। एक बार हेल्म ब्रेकर हेड पे, बहुत बढ़िया। अभी तक कमजोर नहीं हुआ है वो, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि इसको मार मार कर कमजोर करूं। तो एग्रो लगता है उसका खत्म हो चुका है, तो मैं शायद से उसको एक और वॉल बैंक दे सकता हूं। पहले तो उसको नहीं, एग्रो खत्म नहीं हुआ। नाइस सेव, एक बार फिर से। फोर साइड, फिर से। वो लास्ट वाला पोक मुझे नहीं करना था। बढ़िया, स्पिरिट गेज फुल करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। फिर से बढ़िया, हेल्म ब्रेकर की तैयारी। हिट, अरे नहीं नहीं, बहुत 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 बुरी टाइमिंग। वो रेडी था वहां से, मैं भी रेडी हूं, लेकिन मैं रेडी नहीं था। ओके हेड पे, हेड पे। पूछ कट चुकी है भाई, क्या मार रहा है, बेवकूफ है, जोशीला है, बस सेल्फ अवेयर नहीं है। अरे यार, हेल्म ब्रेकर डाला था मेरे सही टाइम पे, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। काफी तेज वाले मूव्स मार रहे हैं ये। फिर से बढ़िया, नारगा कुगा भी यहां पर आ चुका है। फिर से टर्फ वॉर, बहुत सही बहुत सही। लगता है एकदम ही नेमेसिस है ये लोग। पंच कर उसको नारगा कुगा, पंच कर, बढ़िया, बहुत सही। उस टाइम पे फोरसाइट ले लेना चाहिए था मुझे। नारगागो की फुसकी निकल चुकी है यार, नारगागो की नहीं, मेरा मतलब रेसिस्ट टोगेरो उनकी। तो चलो उसके लोकेशन पे चलते हैं, और लोकेशन पे चलते ही मैं कर लूंगा उसको कैप्चर, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका लोकेशन जो है वो लेगियाना के लोकेशन के ही पास होगा। स्काउट फ्लाइज, ओके स्काउट फ्लाइज बहुत ही अलग ही रास्ता दिखा रहे हैं इस बार।
अपना गिली मेटल में पहन लेता हूँ ताकि दिखूँ ना उसको मैं। ये प्लेस कर दिया मैंने शॉक ट्रैप और यार ये मिशन खत्म। बहुत ही मज़ेदार फाइट था ओडोगेरोन उनका, सच बताओ तो। आई मीन ग्लेविनस से ज़्यादा मज़ेदार था। मज़ेदार इसलिए था क्योंकि अच्छी टाइमिंग चाहिए थी, जो भी सक्सेसफुल काउंटर्स थे उसको अच्छे से रिवॉर्ड किया गया, यानी कि ग्लेविनस को जितनी भी बार काउंटर करो वो थोड़ा और दूर चला जाता था। काउंटर से मेरा मतलब है फोरसाइट। जब भी मैं फोरसाइट सक्सेसफुली करता था ग्लेविनस थोड़ा मतलब दूर चला जाता था, जिससे फोरसाइट का कॉम्बो कम्प्लीट नहीं हो पाता था। लेकिन इबोरी ओडोगेरोन में ऐसा नहीं था, उसके अटैक्स बहुत तेज थे, लेकिन जैसे ही फोरसाइट लगता था फोरसाइट का कॉम्बो कम्प्लीट होने के ज़्यादा चांसेस थे। काफ़ी मज़ेदार फाइट लगी मेरे को ये। और ड्रैगन एलिमेंट एक नया एलिमेंट है जिससे मोस्टली एल्डर ड्रैगन्स जो है जिनकी जो कमज़ोरी रहती है वो होता है ड्रैगन एलिमेंट। तो कमांडर कहते हैं Zilliana's new defense have arrived safely. That wouldn't have happened if you hadn't come to rescue. You have my thanks. Final preparations are underway on the Dragon Razor. We'll need that completed if we hope to drive back Vel'Kana. There have already been sightings just outside Zilliana's gate. We don't have much time. Listen to me. Let me make this clear. Our mission now is to drive Vel'Kana back and protect Zilliana. Phase 1 is to distract or bind Vel'Kana to stall for time until that Dragon Razor is finished. The only thing protecting the Dragon Razor and Zilliana are you hunters and a barricade. See that the barricade isn't breached. Phase 2 begins once the Dragon Razor complete. We hit Vel'Kana with it. And force it to retreat. तो यार ड्रैगन नेटर तो समझा था, लेकिन ड्रैगन रेजर एक नया तो भी वेपन ये लोग लेकर आए हैं। Once it fully built, you'll need to load fuel into Dragon Razor before it can be fired. तो इसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। Okay. All right, field team, finish any last minute prep, then accept that quest ASAP. As soon as preparations are complete, everyone in Estera, save a skeleton crew. We'll be shipping out to Zilliana. Get going. The stakes couldn't be much higher. Let's make this mission a success. बहुत सही। Vel'Kana का फाइट होना है अभी, लेकिन Vel'Kana के फाइट से पहले एज यूजल मैं जाऊँगा एक बार देखूँगा कि इबोनी ओडोगेरोन से मैं जो है अपना वेपन अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ इनसे ग्लेव की। अपग्रेड वेपन इंसेक्लेव नहीं, डटूरा स्टॉर्म नहीं, दूसरा वाला, ये वाला। ओके, तो इसको इबोनी ओडोगेरोन का हार्ड फैंग चाहिए, वो भी दो, ताकि मैं इसको अपग्रेड कर सकूं। अपग्रेड करने पे मेरे को मिलता है 744 रो डैमेज और 300 फायर डैमेज, जो कि बिल्कुल भी पूरा नहीं है। और क्योंकि मैं Vel'Kana से लड़ने जा रहा हूँ मैं, 300 रॉ डैमेज तो कि 60 प्लस है पुराने वाले वेपन से, ये वेपन बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हो सकता है। तो एक बार ओडोगेरोन से लड़ेंगे, एक बार ग्लेविनस से लड़ेंगे। तो सबसे पहले ग्लेविनस से ही लड़ लेते हैं। ग्लेविनस थर्ड लेवल पर था जो मेरे को लगता था। हाँ करेक्ट, सीक्रेट टू अ गुड स्लाइस, लेट्स डू इट। स्पेशल अरीना में है क्या ग्लेविनस? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एंशियंट फॉरेस्ट में है, बहुत ही वियर्ड सी जगह है ग्लेविनस के रुकने की। द फ्लैश ऑफ द ब्लेड, वाइल्ड स्पायर वेस्ट में ही चलते हैं क्योंकि एंशियंट फॉरेस्ट का जो मैप है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड लगता है एक ही जगह पे। और यही वेपन ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस वेपन से। मैनेज आइटम्स में जाऊँगा और मैं ले लूँगा एक और शॉक ट्रैप, ये मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। बहुत सही। तो यार क्वेस्ट रेडी है, चल लेते हैं। ग्लेविनस को एक बार ग्रेट स्वॉर्ड से भी मैं हंट करना चाहूँगा,
लेकिन उसके लिए मुझे फोकस वगैरह और क्या कहते हैं फोकस और क्विक शीट चाहिए, ताकि ग्रेट स्वॉर्ड का मैं फुली मतलब जो पूरा पोटेंशियल है वो अचीव कर सकूं। कैक्टस जाने दो क्यों ही मैं उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चलूँगा अपने कैंप पे, वहाँ पर तो खाना पीना करूँगा, फिर ग्लैविनस की तरफ बढ़ चलूँगा। पे विथ मनी, यस, कस्टम चॉइस प्लेटर, यही सही। अरे इस एरिया में हूँ तो, अरे तो सोच ही लेता हूँ, एक दो मछलियाँ भी पकड़ लूँ, ताकि और थोड़े से क्या कहते हैं और थोड़े से शार्पनिंग के टूल्स मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, मछली मिल नहीं रही वो वाली, और सारे भाग भी गए, और समझ सकते हो वो लोग किस लिए भागे, क्योंकि मैंने गिली मैंटल नहीं पहना था। और मछली कौन सी है, दिख तो नहीं रही कोई भी जो वेट फिश प्लस दे एज अ रिसोर्स। पहले गिली मैंटल पहन लेता हूँ, फिर देखता हूँ, क्योंकि मछली अभी पूरी तरीके से भागी नहीं है। वेट फिश प्लस वाली मछली देखकर तो नहीं लग रहा यहाँ पर है। खैर कोई नहीं, ऐसे ही तालाब में हाथ मार के देखता हूँ। ओके, वो लग रही है मेरे को, शूशी फिश थी वो, कुछ खास थी नहीं। खैर चलो, गिली मैंटल उतार देता हूँ, वो वैसे भी रिचार्ज हो जाएगा आखिरी तक, और चल लेते हैं ग्लैविनस की बजाने। वाइल्ड स्पायर वेस भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है जब एकदम सूरज खिला खिला सा रहता है। तो ग्लैविनस के फुटप्रिंट मिल चुके हैं यहाँ पे। स्काउट फ्लाइज खुद ही कंफ्यूज है कहाँ लेके जाना है मुझे। टाइग्रेक्स, सीरियसली टाइग्रेक्स ये यहाँ क्या कर रहा है? और ग्लैविनस भी इसी तरफ गया है। ओके, ग्लैविनस इस तरफ नहीं गया है, स्काउट फ्लाइज खुद ही कंफ्यूज थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है ग्लैविनस थोड़े डियाब्लो वाले एरिया में होगा। और ये देख सकते हो यार, कैक्टोर भी इधर पे है, उसके भागने का स्टाइल देखो। ग्लैविनस के और फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पे, और ग्लैविनस मिनी मैप में दिख चुका है। स्काउट फ्लाइज ने भी सेंट पकड़ लिया है। ओके, मुझे लगा था फोर साइड टैप पे कर लेना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसके चपेट पे आ चुका हूं मैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही टाइम है ग्लैविनस को एकदम ही टेंडराइज करने का। बढ़िया मौका था, फिर से इसको कर देता हूँ मैं टेंडराइज, और यहाँ पर इसको पैरालिसिस भी हो चुका है। डियाब्लोस पीछे है मेरे, उसने अभी तक देख भी लिया होगा मुझे। ये बहुत ही बुरा हुआ। ग्लैविनस की यही चीज़ सही नहीं लगती मेरे को, जो ओदोगेरोन में थी, कि एकदम ही काउंटर्स जो है वो रिवॉर्डिंग रहते थे। ओके, टर्फ वॉर, बहुत सही, मेरे पैसे एक ग्लैविनस पे। डियाब्लोस मुझे नहीं लगता जीतेगा, लगाई था इसकी पूंछ को। अच्छा, टर्फ वॉर के, अरे बाप रे, यहाँ पर इनका अलग सा ही WWE चल रहा है, देख ही सकते हो। बस करो यार,
टेल को फिर से टेंडराइज कर दूंगा मैं, इसके टॉर्च से रोल कर लूंगा, चीजें उठा लूंगा और भाग लूंगा, और भगते भगते इसको अंधा कर दूंगा। नाइस। तो एनिमल अब्यूज फुल पावर पे है यार यहाँ पे। चल लेते फिर से ग्लैवनस की तरफ। पूंछ गरम है, कोशिश करूंगा ग्लैवनस की पूंछ में फिर से काट सकूं। खैर चलो ये हो गया। ग्लैवनस यहीं पर है, कहीं दूर गया नहीं है। पूंछ भी गरम है जो कि बहुत अच्छी बात है। वो मेरे बिल्ली की तरफ ही है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार, उसका फोरसाइट अच्छे से लग क्यों नहीं रहा। बहुत सही। बहुत बढ़िया फोरसाइट। एक और बार सही टाइम पे ही आई स्पिरिट स्लैश। बहुत सही फोरसाइट। उसका एग्रो खत्म हो चुका है जितना मेरे को दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको गुफचे में बुलाऊंगा और इसको करूंगा मैं वॉल बैंक। इधर आ ग्लैवनस, इस तरफ। टर्न टू द राइट। नाइस। चलो यार पूंछ गरम तो नहीं है लेकिन कमजोर तो जरूर है। टेंडराइज है बढ़िया से। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। सही टाइम है टेंडराइज का। थोड़े स्लिंगर एमो भी मिल गए और स्लिंगर एमो से मैं इसको एक और बार। Nice. हेड को करूंगा टेंडराइज और मौका रहते ही हेल्म ब्रेकर। एलिमेंट खत्म है, एलिमेंट खत्म है। पूंछ भी गरम है। वार करने का सबसे बेस्ट मौका यही है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से मारेंगे इसके पैरों पे। पैर खत्म। दूसरे पैर को भी मुझे टेंडराइज करना पड़ेगा, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, अच्छा डैमेज मिल रहा है। एटलीस्ट जो डैमेज है वो वाइट नहीं है। बढ़िया। बढ़िया शॉट था, देख सकते हो। पार्ट ब्रेक आया है, पूंछ भी गरम है। थोड़ा पहले मैंने कर दिया तो चल लेते फिर से इसकी पूंछ को टेंडरेस। अरे यार थोड़ा धीरे ग्लैवनस प्लीज। नाइस। मेरे पास अभी स्लिंगर एमो भी नहीं है तो मैं इसको रोक भी नहीं सकता कहीं पे। हो सकता है सवार हो जाऊं। सवार? अरे भाई, अरे भाई, सोचा भी नहीं था मैंने।
बहुत ही सही जगह पर और बहुत ही सही टाइम पे सवार हुआ हूँ मैं, और एकदम कॉर्नर पे है ग्लैविनस। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको नीचे करते करते मुझे लगता है मेरा जो स्पिरिट गेज है वो वाइट तक पहुंच जाएगा, पर कोई दिक्कत। अरे यार पूछ इसकी ठंडी हो गई फिर से, ये सही नहीं लगा मेरे को। खैर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं बहुत ही गलत टाइम था। अरे नहीं, मेरे से बड़ा बोलना नहीं चाहूंगा मैं, कोई होगा नहीं। सबसे पहले पैरों को टुंड रही। अरे बाप रे, फोरसाइट। पूछ गरम हुई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। कॉम्बो कंप्लीट। पूछ गरम हुई अभी तक नहीं हुई, तो यार पूछ गरम नहीं हुई तो उसी टाइम पे मैं शार्पन कर ही लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं चाहता कि पूछ गरम होने से पहले ही मर जाएंगे। काजा लगा लगाई था वो साइड। कॉम्बो कंप्लीट। ईआई स्पिरिट सास ले, हेल्म ब्रेकर तक और डैमेज तक। बहुत ही हीरोइक डॉजेस थे वो। पूंछ शार्पन हो चुकी है लेकिन गरम अभी तक नहीं हुई। यार लग जाए, एक एक अटैक लग जाए यार। ओके कैक्टर आ चुका है, कैक्टर बजाए पड़ा है इसकी और मेरी भी। पूंछ भी नहीं लगा, खैर एक्सपेक्टेशन से बुरा गया मैच। मुझे लगा था कैक्टर से कम डैमेज जाएगा मेरे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लगता है ग्लैविनस जा रहा है रैथियन के अड्डे की तरफ, जितना मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, रैथियन के अड्डे की तरफ नहीं, यहाँ पर एक और सवारी मिल सकती है अगर कोशिश करूँ तो। स्कैटर नोट उठा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पोटेंट डैमो है। मुझे लगा ही था उसका एग्रो खत्म नहीं हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने हटा दिया। अरे यार वो साइड, ओके अब मुंह से वार करने लगा ये। नहीं 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 नहीं, तो देख सकते हो यार पूंछ गरम है लेकिन ग्लैविनस जो है वो एग्रो नहीं है, तो मैं इसको एक वॉल बैंक दे सकता हूँ और पूंछ पे वार कर सकता हूँ। एक और, नाइस। पूंछ खाता हूँ, पूंछ कट चुकी है। ये गेम का मेरा सबसे फेवरेट मूव लगता है यार, जितने भी मॉन्स्टर्स है। ग्लैविनस की पूंछ कटने की जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है। ओके ग्लैविनस उसी जगह पर जा रहा है जहां पर रैथियंस होती है,
मैं भी घुस जाऊंगा उस जगह पे। गिली मैंटर ही लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी, घुस के उसको कैप्चर ही करना है बस। शॉक ट्रैप भी रेडी है और ग्लैविनस हो गया, नाइस। बढ़िया यार, ग्लैविनस हो चुका है कैप्चर। अब मटेरियल्स मिल जाने चाहिए, यूजुअली कैप्चर में काफ़ी अच्छे खासे मटेरियल्स मिलते हैं। और इसके बाद इवोनी ओडोगेरोन के कुछ और पार्ट्स चाहिए जिससे कि मैं अपना इंसेक्ट ग्लेव क्राफ्ट कर सकूं। ग्लैविनस कॉर्टेक्स दो मिल चुके हैं, हार्ड फैंग एक पीस मिला है, खैर कोई दिक्कत नहीं। होपफुली वॉनी ओडोगेरोन जो है वो मुझे क्या कहते हैं अरीना में मिल जाए। अरीना में मिले तो अच्छी ही बात है। अपनी हैंडलर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, लेकिन लड़ाई तो अपने को ही करनी है, तो इसलिए सबसे पहले जो है वेपन वगैरह सबसे बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए लड़ने के लिए। यार ग्रैविनस हार्ड शेल नहीं मिला अपने को, इस बात का दुख है। खैर दोनों ही रेयरिटी 10 वेपन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यही लेकर चल लूँ, मतलब क्या ही दिक्कत हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। एक दो फेंट्स आएंगे तो यार चलो स्टैंडर्ड इंसेक्ट ग्लेव उठा लेता हूँ मैं। डेकोरेशंस भी सेट कर दूंगा मैं इस पर, सैटिएटेड इवेजन हार्ड मियोस्टर की जगह मैं रखूँगा। देखता हूँ और कौन कौन से ज्वेल है। जंपिंग फिजिक ज्वेल अच्छा है, ईवेड एक्सटेंडर मुझे स्किल मिलता है उसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन से स्टैमिना थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, देख सकते हो रिड्यूसेस फिर स्टैमिना डिप्लीशन बाय 10%। तो कॉन्स्ट जंपिंग और फिजिक उठा लूँगा मैं। ड्रेन इवेजन भी ठीक ही है, सैटिएटेड इवेजन सही है। इसमें देखता हूँ मेरे पास क्या है। अगर मैं जंपिंग ज्वेल उठा लूँ तो मुझे और थोड़ा सा ईवेड एक्सटेंडर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वाइटैलिटी हेल्थ बूस्ट की भी ज़रूरत है, तो एक वाइटैलिटी तो बनता ही है। वेनम ज्वेल की जगह मैं कुछ और उठाऊंगा। ब्लेज ज्वेल से मेरे को फायर अटैक की स्किल मिलती है, जो कि इंसेक्ट ग्लेव क्योंकि मेरा फायर है तो वो उसको हेल्प करेगा। लेकिन मैंने डटूरा स्टॉर्म क्यों उठा रखा है यार, मुझे दूसरा इंसेक्ट ग्लेव उठाना था, तो मैं चलो चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। तो ओके इसमें वाइटैलिटी है, तो दूसरे में मुझे वाइटैलिटी की ज़रूरत है नहीं। इसमें मैं लेना चाहूँगा ब्लेज ऑफकोर्स। तो देख सकते हो यार ई बिड विंडो 5 है, हेल्थ बूस्ट 5 है, क्रिटिकल आई 2 है, पार्ट ब्रेकर 2 है, स्टैमिना सर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्लच क्लॉ बूस्ट भी है, ईवेड एक्सटेंडर भी 2 है। बहुत सही, बहुत ही ज़्यादा सही। तो यार जाने से पहले मैं कर लूँगा मील, क्योंकि डिफेंस ऑफ सेलियाना मुझे नहीं लगता कि छोटा मोटा हंट है, अच्छा खासा हंट होने वाला है। सेफ चॉइस प्लाइटर मैं ले लूँगा और चल लूंगा डिफेंस ऑफ सेलियाना के लिए। असाइंड, तो चलो यार वेलकाना को मजा चखाने चलते हैं। हाँ इससे पहले एक और बार मैं चेक कर लूंगा कि मेरे पास आइटम्स है कि नहीं, ठीक ठाक दिख तो रहे हैं। और एक चीज़ और है, वेलकाना को यार कैप्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एल्डर ड्रैगन्स जो है उनको कैप्चर नहीं कर सकते, उनको सिर्फ मार सकते हैं। पता नहीं गेम का रूल है यही कहता है। तो चलो यार सेलियाना आर्मरी में चलते हैं, सेलियाना क्रेट में चलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे डिफेंस लगा हुआ है, वेलकाना यहीं पर है। ड्रैगन रेजर भी वो लोग तैयार कर रहे हैं, 4-5 हंटर जो है यहीं पर है। Thank you.
ओ उसने फोरसाइट किया, अगर तुमने नोटिस किया तो। हंट्समैन 60 साल का नहीं, उससे भी ज्यादा होगा शायद, आइए 60 साल का ही होगा, 60 साल का होकर भी। ओहो हेल्म ब्रेक, और ये वालकाना की शील्ड। हंट्समैन 60 साल का होकर भी इतने फुर्ती से मूव कर रहा है। बहुत ही खतरनाक मूव था वो। वेलकाना चाहे तो उसके ऊपर से उड़कर आ सकती है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है बैरिकेड के पीछे जो भी दूसरे हंटर्स है वो संभाल रहे होंगे, तो उड़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा होगा। You are a leader. Buy some time. Show them that you've got what it takes. We need more time to get the Dragon Razor ready. Protect that barricade with your life. You are the only one who's fought this Vel'Koz before. We can't fail here. As usual, responsibility upne pe. Need your help with the preparations. Let's get this thing ready ASAP. Got it. Celiana is done for. We don't drive this thing back. Hunters fight hard and stay smart. उसका फर देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा dense है। Usually game में जब भी फर वगैरह दिखता है, तब वो थोड़ा सा cards type का दिखता है। I mean games में फर वगैरह वैसे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो फर cards रहते हैं। लेकिन इसका फर बहुत ही ज़्यादा dense है। Okay. ये कैसा मूव था? सबसे पहले तो मैं इसको टेंडराइज करूंगा एक बार फिर से। अरे कैसे यार, मैं उसके ऊपर चढ़ाऊ, उसके बर्फ से उसको भी डैमेज नहीं गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, और मैं थक चुका हूं। बहुत सही, जल्दी उठ जा भाई, जल्दी उठ जा प्लीज। डॉज रोल, अरे यार कैसे फॉलो अप अटैक है ये। नहीं नहीं, मुझे लगा था मैं उसको डॉज कर लूंगा। अच्छी टाइम पे डॉज किया मैंने फिर से। हेडशॉट, मुझे दूसरा किंसेक लाना चाहिए था अपने साथ। ये वाला इंसेक्ट वैसे काम का तो है। उसका डस्ट इफेक्ट में मैं हील हो रहा हूं। बहुत ही बढ़िया डॉज था वो। बहुत बहुत सही, लेकिन दिक्कत यह है कि इंसेक्ट का पावर अप जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ बाकी हंटर्स भी लगे हुए इसको खत्म करने, समझ सकते हो कितना खतरनाक एल्डर ड्रैगन होगा ये। फिर से उसने वो बर्फ की गोले लालना शुरू कर दिए।
उसके पार्ट ब्रेक्स मेरे को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसका जो आर्मर है वो ब्रेकेबल है। बहुत बुरा हुआ वो। अरे बात, क्या अटैक था वो, क्या अटैक था वो। फिर से कोशिश करूंगा इसको लेने की। रोमिंग बलिस्टा तैयार है। बढ़िया टाइम पे डॉच। ये रोमिंग बलिस्टा मैं बता देता हूँ क्या है। ये वाला वेपन है जिसमें अभी गोलियां लोड हो चुकी है, तो करूँगा मैं इसको वेलकाना पर एम और कर दूंगा इसको फायर। कुछ ज़्यादा डैमेज कर नहीं रहा लेकिन काफ़ी तेज डैमेज कर रहा है। खैर वही सही। सही टाइम पे मैं टूटा ऊपर की तरफ। इस क्लिप का यही फायदा है, भले ही उसके जितने भी शेनानिगंस अच्छे खासे हो। ओहो तो यार, अगर इसको बाउंड कर लिया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे ओके मुझे मुझे करना क्या है। ओके, वो छूट गया। बहुत सही, मारना ही था मुझे उसको बस। मुझे लगा ड्रैगन रेजर तक जाके उसको भी करना था। ओके बहुत सही, पार्ट ब्रेक मिला है, पहला पार्ट ब्रेक। वेलकाना का एलिमेंट खत्म, वेलकाना का एलिमेंट खत्म। मारूंगा मारूंगा और मारूंगा। अरे यार मेरा पावर अप खत्म, लेकिन मारूंगा, एंड्राइज करके मारूंगा। अरे यार फिर से नहीं। इस बार कॉम्बो खत्म होने से पहले ही। यार ये देख सकते हो यहाँ पर, ओके ओके बहुत सही। तो यार वो जो गन्स यूज़ हो रहे हैं वो है हैवी बो गन, तो मुझे इधर चलना है। ओके किधर चलना है, एलिस्टर। ओके दो फ्यूल्स मुझे उठाकर जाने पड़ेंगे और चीज़ें उठाते ही स्टैमिना वगैरह खत्म होने लगता है। होप करता हूँ वहाँ तक पहुँचा रिश्ता मेरा ख़त्म ना हो जाए। और फैन का वेलकाना लगी हुई है यहाँ पे, बाकी के हंटर्स को रोकने की कोशिश पे है। बिल्ले हेल्प कर मेरी, लेकिन वो करेगा नहीं। बिल्ला हेल्प नहीं कर रहा यार, बिल्ला ड्रैगन रेजर नहीं उठा रहा मेरे लिए। उसने कैनन्स उठाए थे लेकिन ड्रैगन रेजर नहीं उठा रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट चल रही है यहाँ पे। अरे यार बैरिकेड का हेल्प भी खत्म हो चुका है। कुछ ज्यादा ही रश में हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मिलकर ना मेरे पे ड्रैगन रेजर हो चुका है लोग। अरे भाई ऐसे कैसे यार। ओके यहाँ पर नहीं मानना मेरे को। ओके इसको इसको कहाँ लाना है मुझे, एकदम यहाँ पे। इसको बाइंड करने के लिए भी कुछ है नहीं मेरे, करना क्या है। ओके 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 नाइस। यार वहां पर अगर कॉमेंट्री थोड़ी इधर उधर हुई तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कुछ ज्यादा ही रश था वहां पे। ए,
इतना बड़ा ड्रैगन लेजर उसको सिर्फ डराया और कमजोर किया, तो समझ सकते हो कितना खतरनाक ड्रैगन होगा वो। How is he? Fear not. He won't be kept down by a little thing like this. You did a fine job back there. Yeah. But it's not over yet. Everyone, good work today. Listen up. We managed to repel the Velcana, but we have no idea if and when it'll strike again. Get everything ready. We need to move fast. Its nest is in the depths of the hinterlands. So I say, let's bring the fight to it. बहुत सही। अब है वेल्कानो को खत्म करने का टाइम। For once and for all. ज़्यादा कुछ मिला नहीं, वेल्काना के मटेरियल्स नहीं मिले, खैर कोई दिक्कत नहीं। कुछ ज़्यादा ही रश वाली फाइट थी वो, कुछ समझ नहीं आया मुझे आधे से ज़्यादा टाइम, बट सही है। और अच्छी बात है कि मेरे पास स्टैमिना सर्ज वगैरह के ज्वेल्स वगैरह थे। होपफुली कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मुझे एक ज्वेल और मिल जाता तो स्टैमिना डिप्लीशन रेट और तेज़ हो जाता और कम हो जाता मेरा मतलब। तो फील्ड टीम लीडर कहते हैं, यू नेवर सीज टू अमेज, यू केप्ट सेलियाना सेफ एंड एवरीवन इन इट, आई कैन थैंक यू एंड द फिफ्थ इनफ फॉर ऑल व्हाट यू हैव डन। वी नो वेयर वेल्काना इज, इट हैज अ नेस्ट डीप विद इन द रीच, आई जस्ट पुट आउट अ रिक्वेस्ट टू आवर टॉप हंटर्स, यू इंक्लूडेड ऑब्वियसली, टॉप हंटर्स यू इंक्लूडेड, नहीं मैं ही हूँ टॉप हंटर यार। Prepare well and proceed with caution. And most important, come home safe. If you don't, I'm liable to get a little crazy here. Okay, let's do what we can. The Iceborn Wyvern hai quest ka naam. To yaar, finally Velcana se ladai hoti ja rahi hai. Hone ko ja rahi hai. Lekin ye ladai main dalunga agle episode pe. क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, और अगला एपिसोड में डालूंगा प्रीमियर पे, क्योंकि आइसबॉर्न वाइवर्न का जो मतलब आइसबॉर्न गेम का जो फाइनल वाइवर्न है, ऐसा कह सकते हैं फाइनल वाइवर्न है, लेकिन इसके आगे भी और वाइवर्न्स रहेंगे, तो अभी के लिए आइसबॉर्न का जो फाइनल वाइवर्न है उसके साथ लड़ाई होगी अगले एपिसोड पे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड प्रीमियर रहेगा, जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तुमको नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उसके लिए यार तुमको करना पड़ेगा वेट। और आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ वेल्काना की फ़ाइट कैसी लगी, उसमें फ़ाइट और एनवायरमेंटल पज़ल दोनों थे यार, मुझे तो मज़ा आ गया, एड्रेनलिन रश था काफ़ी ज़्यादा। तो यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता हूँ तुमको अगले एपिसोड पर।